डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनते हैं और न ही उनका विनाश होता है। किसी एक तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। डाल्टन का गुणित अनुपात नियम। डाल्टन ने देखा कि 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। 8 ग्राम ऑक्सीजन 4 ग्राम ऑक्सीजन का दुगुना है। इस तरह जब भी डाल्टन ने तत्वों के संयोग को विभिन्न अनुपातों में देखा तो पाया कि इनमें एक सरल गुणित अनुपात दिखता है, अर्थात हर बार परमाणु अविभाज्य है। इसे उन्होंने बाद में गुणित अनुपात नियम के रूप में प्रकाशित किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर दो प्रकार के यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और यहाँ ऑक्सीजन के द्रव्यमान 4 ग्राम और 8 ग्राम जो कार्बन के निश्चित द्रव्यमान 3 ग्राम के साथ संयुक्त होते हैं एक सरल अनुपात 4:8 या 1:2 में होते हैं।